हेलो फूडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नए स्टाइल की स्वीट। इस स्वीट को आप रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। दूध 1 कप, नारियल का बुरादा 1 कप, चीनी 1/2 कप और मिल्क पाउडर 200 ग्राम यानी 1 कप। चलिए अब कढ़ाई में दूध डाल देते हैं। अब इसे एक उबाल आने दीजिए। जैसे ही दूध को एक उबाल आ जाता है, उसमें 1 कप चीनी डाल दीजिए और अब चीनी को अच्छे से दूध में मेल्ट होने दीजिए। अब आगे के प्रोसेस के लिए गैस फ्लेम को लो कर दीजिए। अब दूध में नारियल का बुरादा यानी डेसिकेट कोकोनट डाल दीजिए। इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये कढ़ाई से लगे ना। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये घोल जो है वो गाढ़ा होने लग गया है। इसे तब तक गाढ़ा करेंगे जब तक ये हमारे पैन को जो है छोड़ने ना लग जाए। मीनवाइल हम अपने सांचे को चिकना कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डालकर उसे ब्रश से फैला दें। मोल्ड चिकना करने से हमारा जो बैटर है वो आसानी से निकल जाएगा और सांचे से चिपकेगा नहीं। इस ग्रीस किए हुए सांचे पर आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी छिड़क दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है उसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारा परफेक्ट बैटर जो है तैयार हो चुका है। अब हम इस बैटर को मोल्ड में निकाल लेंगे। बैटर को अच्छे से स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर लें। अब इसे 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रखें। इसे प्लेट पे पलट देंगे हम। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इसे चेरी या फिर ड्राई फ्रूट या आप की मन पसंदीदा चीज से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे चेरी से डेकोरेट किया है। और बीच में बादामों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्वीट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। अब आप इस स्वीट को जिस भी शेप में
काटना चाहते हैं उसमें काट लीजिए। आप इसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर जो भी शेप चाहते हैं उसमें इसे काट लें। आप इसे कोकोनट केक कहें या कोकोनट बर्फी, ये खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। आपके घर में इसे बहुत ही पसंद किया जाएगा। इस रक्षाबंधन आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए। आपके भाई को और आपके बाकी के रिश्तेदारों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और जितनी ही आसान ये बनाने में है उतनी ही ये खाने में स्वाद है। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ हम बने रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो। Thanks for watching. Now enjoy yummy and delicious shorts of this recipe.